और पुलिस ने इस हत्याकांड के सिलसिले में कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। गुरुवार को नसीम के शव का पीएम किया गया। पूर्व पार्षद नसीम की हत्या को लेकर मुरार थाना क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। गुस्साए लोगों ने पीएम के बाद हत्यारों की मांग को लेकर आंदोलन की धमकी दी है। खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी पीएम हाउस पहुंचे और नाराज लोगों को समझाइश दी। लोगों की मांग है कि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को भरोसा दिलाया है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। साथ ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। कल रात को मोटरसाइकिल से अब्दुल नसीम जी जा रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने बताया गया है कि उनके साथ घटना की है। उसके आधार पर जो भी सूत्र हम लोग को मिले हैं, हमारी विवेचना जारी है। निकट भविष्य में हम लोग 100% उसको ट्रेस कर लेंगे और कार्रवाई करेंगे।